दी आवाज लो मैं आ गया। अरे तालियों जय 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 जय। आज फिर तुम, आज फिर तुम यहाँ कैसे? आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। आज शूट चाले छे। अरे रियलिटी शो में हूँ साले से। जय। हाँ जी, आपको बच्चों के साथ हैं आप। हाँ जी, अब आप बच्चों को हैंडल करना सीख लीजिए। क्योंकि आप पापा बनने वाले हैं। या थैंक यू। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बच्चों को अच्छी तरह से संभाल सकता हूँ। मैं अब हर्षित को वहां तक है ना घोड़ा बनकर ही लेकर जाता हूँ। आ जाओ यार। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की तुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 तुम उठा के दौड़ा। अरे पीटा। अब सुनिए कि इस नए शो में खास और अलग क्या है। इस शो में चार टीम्स हैं, जिनके ये चार कैप्टन्स हैं। चारों टीम्स में चार चार ज्वालामुखीज हैं। हर कैप्टन को चार एक्ट देने होंगे। ये एक्ट सोलो होंगे या डुएट्स, ये इन कैप्टन को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके फैसला लेना होगा। और ये कमाल के कैप्टन ज्यादा पॉइंट्स के लिए खुद भी इस सुरक्षा क्षेत्र में उतर सकते हैं। और आज इन सुपर 16 का साथ देंगी म्यूजिक जगत की जानी मानी हस्तियां। तो इंडिया 19 रुपए मासिक प्लान में सोनी और क्या देगा आपको, कियारा या आलिया? तालिया। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। नितिन जी, आप क्या करने वाले हैं? सोलो डुएट, क्या प्लान है? मैं सोलो ही करने वाला हूँ। सोलो ही? ओहो। और मैं अपनी टीम से भेजना चाहूंगा अपने प्यारे माउली जी को। मोबाइल फोन्स में आपको विज्ञान के चमत्कार नजर आते हैं। एक ज्वालामुखी है यहाँ जिसमें मुझे भगवान के चमत्कार नजर आते हैं। दिल में श्रद्धा के साथ पेश है मौली। मोरया मोरया मोरया
मौली यार, आपने ऐसी एनर्जी और इतना सुरीला आपने गाया है। आप पहले बताइए, आप कैसा रियाज करते हैं और आप क्या खाते हैं जो इतनी एनर्जी आप लाते हैं? मेरे को चाय पीने की बहुत आदत है। अच्छा। मैं चाय पीता हूँ बस। हमको ये बता दीजिए आप कौन से किस्म की चाय पीते हैं, तो हम भी पीना शुरू कर देते हैं ताकि हमारा भी ये एनर्जी लेवल आ जाए। हाँ बिल्कुल। मैं आला जो होता है उसका चाय पीता हूँ। अरे सुनो सुनो जय जावेद, कुछ नहीं चाय वाय कुछ नहीं, ये गणपति बप्पा मौर्या की ब्लेसिंग्स हैं बस। क्या बात कही है यार। हां बिल्कुल। डंग 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 मौली के हुनर पे मोहर। आला की चाय। मौली जी के लिए जोरदार ताला हो जाए। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो सचिन बताइए कि अब आप किसे उतारने वाले हैं? मैं अपनी टीम से एक खतरनाक सिंगर भेजने वाला हूँ। खतरनाक खतरनाक खतरनाक, क्या बात है। निष्ठा शर्मा। ओ कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
Fantastic, sir. Fantastic. निष्ठा, लाइव इस गाने को गाना है मुश्किल और तुमने उसको बड़ी आसानी से विद अ लॉट ऑफ ईज आपने गाया गाने. तुम तो रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो. थैंक यू सो मच. पेशिया मुझे लगता है कि एक ही अल्फाज होगा, म्यूजिशियंस. अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइए. इरशाद, इरशाद. बिल्कुल, इस दुनिया में आधे से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं ऐसी ऐसी ऊट पटांगड़ी. इस दुनिया में, अबे खत्म तो होने दे. इस दुनिया में आधे से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं ऐसी ऊट पटांगड़ी, पर थैंक यू भगवान कि आज भी मिलती है स्वीट गर्ल्स लाइक ज्योतिका टांगड़ी. कैप्टन ज्योतिका, आप बताइए कि किस ज्वालामुखी को आप उतारना चाहेंगे? मेरे जो को कैप्टन्स हैं, उन्होंने अपने तरकश में से पहले ही ऐसे ऐसे तीर छोड़ दिए हैं जो सीधा निशाने पे जाके लगे हैं. उसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक. तो मैंने सोचा कि एक नहीं, मैं मेरी टीम से दो दावेदार भेजूंगी. क्या हुआ? नाम. हाँ? नाम. अरे तुम उसका नाम क्यों नहीं बोलते हो ठीक से? हर बार नाम गलत बोलते हो. स्पेलिंग बताओ अपने नाम की. SAWTWIK. तो डब्ल्यू. डब्ल्यू साइलेंट. जब साइलेंट ही रहते, तुम बंगाली लोग हमको कंफ्यूज करने के लिए डब्ल्यू काय को डालते हो फिर? मुझे ये लग रहा है कि यू नो, हमारे शो पे मुझे लग रहा है बहुत जल्दी सानुदा आएंगे. हाँ. तो ये छोटे सानुदा जब उन सानुदा से मिलेंगे, ओरिजिनल सानुदा से, तो पता नहीं क्या होगा. तुम में पता है एक छोटा सानुदा छुपा हुआ है बेटा. क्या झूठ बोल रहे हो आप सर?
बड़ा प्यारा नज़ारा था और बड़ी प्यारी सिंगिंग दोनों की. थैंक यू. सात्विक ने अपना किशोरदा के स्टाइल में गाया. वो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जो हाँ. किया था ना. हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया. और आरोही ने नाजुक नाजुक गाया, फीमेल स्टाइल जैसा होता है उसमें. गॉड ब्लेस यू बोथ. ज्योतिका को बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहूँगा कि इतनी खूबसूरत जोड़ी आपने बनाई है. थैंक यू. और कितना खूबसूरत गाना आपने चूज़ किया है. हालांकि इनकी उम्र के लिए ये गाना बहुत हैवी गाना है, लेकिन इतनी प्यारे ढंग से इन्होंने गाया है. मेरी एक छोटी सी एक एडवाइस रहेगी ज्योतिका के लिए. जी सर. सात्विक बिकॉज बींग अ बंगाली वो जी. थोड़ा सा ना र को ड बोलते हैं. राइट. तो वो थोड़ा सा ना आप उस पर थोड़ा सा और वर्क कराइए. जी सर. बाकी अदरवाइज इतना स्वीट लगा, इतना क्यूट परफॉर्मेंस लगा. ओरिजिनल गाना भूल के मैं इनका वर्जन सुन रहा था, जो कि इस वक्त के लिए सबसे बेस्ट वर्जन मुझे लगा. प्लीज टेक योर सीट. थैंक यू. कैप्टन ज्योतिका, अब आपकी बारी है, तो आप बताइए कि आप किसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे. मैं अपनी टीम से मेरी बहुत ही दिल के करीब ये सिंगर है, इसका नाम है शिकायना. तो मैंने आज उसे जो गाना दिया है वो आशा जी का एक एवरग्रीन गाना है, आइए मेहरबान. तो मैं चाहती हूँ कि वो इस गाने को गाए और देखते हैं कि उसने कैसा एक फ्रेश रूप दिया है इसे. प्रेजेंटिंग टूटी फ्रूटी की पोती टूटी फ्रूटी शिकायना मुखिया. जोरदार ताले हो जाए. तो शिकायना, मैं डैड से बात करना चाहूंगा. आप कुछ कहना चाहेंगे शिकायना के इस परफॉर्मेंस से पहले? सर, वी आर रियली फीलिंग ब्लेस्ड क्योंकि वो यहाँ तक पहुँची हैं. पिछले 5-6 साल से मैं इसको हर एक अपने प्रोग्राम में ले जाता हूँ, साथ में मेरे परफॉर्मेंस करती है. कभी कभी सर डर लगता है क्योंकि वो मेरे तक ही सीमित ना रह जाए, क्योंकि मैं वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया. मैं चाहता हूँ कि मेरे से बहुत आगे जाए. Fantastic. सर, आपके जितने भी सपने हैं और आपकी जो मेहनत है वो ज़रूर रंग लाएगी, क्योंकि आपकी जो ये बच्ची है इतनी टैलेंटेड है, ये आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगी, हम सबका ये मानना है. थैंक यू. इसी बात पे लेट्स हियर इट फॉर शिकायना मुखिया.
हो तुम नौजवान, कितने हसीन मेहमान, कैसे हो तुम नौजवान। शिकारा, मेरे ख्याल से इस जॉनर में आपसे बेहतर यहाँ पे कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं रह नहीं पाया, मुझे लगा कि आपको आपका गाना खत्म होने से पहले आपके हुनर पे मोहर लगा देनी चाहिए। मैं दिल से कह रहा हूँ, आपका जो ये परफॉर्मेंस था ना, वो लोग बार बार देखेंगे, डाउनलोड करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे आपके इस परफॉर्मेंस से। शिकायना कैसे गा लेती हो इस तरह से, मतलब एक लाइन में वन वर्ड इन फॉल्सेटो, वन इन रियल। बैठिए जान जा, माय गॉड, इट्स समथिंग दैट सीम्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू डू, लेकिन ये इसने करके दिखाया। शिकायना बहुत रेयर कोई ऐसा आर्टिस्ट जो इस तरह की गायकी इतने प्यार से और इतने सफाई से गा सकता है। गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बात मैं कहना चाह रही थी, ये आपका जो भाई है अनोश, इसको गाने का बहुत शौक है लगता है। हाँ जी। Does he sing as well? Yes. इतने प्यार से गा रहा था और उसका इंटरेस्ट इतना है। अनोश, कुछ गाओगे? Yes. Yes. आ जाओ स्टेज पे, आ जाओ अपनी बहन के साथ, थोड़ा सा कुछ सुना दो। बिल्कुल। अरे वाह वाह वाह, चलो फटाफट कुछ सुना दो। स्केल क्या? F sharp minor. ओहो, F sharp minor, very good. Musician है ना? क्या सुनाओगे बेटा? मेरी सपनों की रानी। क्या बात है, कहाँ है? क्या बात है यार,
यार एक बात तो जानने को मिली आज। हाँ, हमारा सुपरस्टार सिंगर का जो ये मंच है, इसमें हम बहुत सारी बातें सिखा भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संस्कार हम शेयर कर रहे हैं लोगों को। लेकिन अगर किसी को योडलिंग सीखनी है तो मैं समझता हूँ ये जो परिवार है इससे सीखनी चाहिए, क्योंकि बच्चा इतनी कमाल की योडलिंग कर रहा है। सर सल्यूट है आपको, क्या बात है। अनुष, मैं तुमको ना थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगी, सीखोगे? सीखूंगा। और हम दोनों साथ में गाएंगे, ठीक है? गॉड ब्लेस, लव यू, थैंक यू। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए अनुष के लिए। एंड थैंक यू सो मच शिकायना, थैंक यू सो मच। इंडिया, तो क्या आप खुश हैं? है कि नहीं है, जरा बोलिए तो सही। तो मोहनजोदारो में 9000 साल पहले आए सूखे के बारे में सोचकर दुखी हो जाइए, क्योंकि अब जो कंटेस्टेंट जिस कैप्टन की टीम से आ रहा है वो है दुख का दीवाना। कैप्टन सचिन, तो बताइए अभी कौन आ रहे हैं? अभी मैं अपनी टीम से एक ऐसा नगीना लेके आने वाला हूँ सर, जो बहुत समझदार सिंगर है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि जिस तरह से फील के गाने मैं सुनना पसंद करता हूँ, गाना पसंद करता हूँ, उससे ज्यादा फील उसकी आवाज में ऐसा कूट कूट के भरा है। सो मुझे ऐसा लगा कि ये एक्ट ऐसा हो सकता है जिसमें मैं खुद भी गा पाऊंगा उसके साथ, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं उसके साथ गाने का मौका मुझे मिल रहा है। अंकुना के साथ। अंकुना तो बहुत ही अच्छी सिंगर है, वी आर रियली एक्साइटेड। क्या बात है, जिनके पापा जी अलका जी के इतने बड़े फैन हैं कि जब भी वो लाइफ में हल्का महसूस करते हैं तो खुद को कहते हैं हल्का याग्निक। ऐसे पिता की सुरेली पुत्री अंकुना मुखर्जी, जो आज गा रही है दिल से रोमांटिक कैप्टन सचिन के साथ, जोरदार तालियां हो जाए। Oh,
आसरा जुड़ सके बीच में कहीं तड़प है ना जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है ना जो मेरे दिल को दिल बनाती है तेरे नाम की कोई धड़क है ना जो मेरे दिल को दिल बनाती है तेरे नाम की कोई धड़क है beautiful performance guys zor daan taaliyan ho jaye alka ji ke baad alka ji hamari senior hai aur legend hai hamari ab zara इनके फैमिली से भी बात कर लेते हैं सर आपसे जानना चाहेंगे कुछ बताइए ना हमें अंकना के बारे में अंकना की बात कहने से पहले जिसके हिसाब से अंकना को हम लोगों ने पाया अलका जी को हमारी तरफ से प्रणाम हमारी 7 साल की लव मैरिज है जब मैरिज लव है अरेंजটা পরে হয়েছে 7 साल से लव है और और যখন অ্যারেঞ্জ হলো দুটো বাড়িতে তখন অ্যারেঞ্জ হওয়ার পরও সোনি টিভি প্লিজ মুঝে বাংলা টু হিন্দি কি এক ডিকশনারি গিফট করে এইসে নেই চলেগা যাব অ্যারেঞ্জ ঠিক হওয়া ডেট ঠিক ফিক্সড হওয়া তো বহুত দিন সে মিলনা জুলনা বন্ধ হয়ে গয়া করিবন 6 মান্থ তো হোগা হি জব মই দুলা বন কে উসে বাড়ি মে गया गया हाँ तब एक अलग रूप से उसको देखा जो घूंघट पहन के वो रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था तब फिदा हो गया मैं तो समझ गई हाँ। एक ही गाना आपका वही गाना मुझे याद आया और बाज वो गाना भी अभी चल रही थी उसके मकान में घूंघट की यार में अच्छा ये गाना मैम हमारे लिए आप दो लाइन गुनगुना दी थे तो आपने ये बोलने के लिए पूरा 2.5 घंटा लगा दिया 2.5 घंटा माने 2.5 घंटा हाँ 2.5 घंटा एक पर्सनल सवाल उससे पहले कि अलका जी गाना गाए आप दोनों को कितना टाइम हो गया शादी को 17 साल 17 साल और 7 साल लाभ तो सर इनके साथ इतना टाइम बिताने के लिए ये तो आपके लिए बनता है सत्रह साल में आपने हिंदी नहीं सिखाई इनको हाँ वो तो यही भालो को जाने ना की सिखाओ तो मेरी माँ मेरे को माफ कर यार माफ कर मेरे को यार Oh my God, अलका जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार। Fantastic.
कैप्टन नितिन, जब से हमारे सलमान इंडियन आइडल जीते हैं तब से लेकर अभी तक आप कोयले की राख से अपने बाल रोज धो रहे हैं जी, और हमेशा हमेशा अपने साथ एक शैंपू की बोतल साथ में रखते हैं ताकि जब तक इसे हराएंगे नहीं तब तक अपने बाल उस शैंपू से धोएंगे नहीं। क्या आप हमारी ऑडियंस को दिखा सकते हैं वो शैंपू? जी बिल्कुल, लीजिए। ये देखो, तो क्या आपको लगता है जी कि इस जन्म में ऐसा पॉसिबल है कि आप हरा सकेंगे इन्हें? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो बताइए फिर इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं अकेला नहीं, ये मेरे पास पटाखड़ी पड़ी है, मेरे पास झूठी सी ये राधे। So, OMHY, I mean to say, oh my Himalayan yak, ये वो है जो तब तक अपने बालों के एंटेना को खड़ा रखेंगे जब तक सलमान के रोंगटे ना खड़े कर दे। असली योद्धा शोएब अली विद असली ही मंशा रखने वाले उनके कैप्टन नितिन कुमार। हाँ, तो तैयार हो सलमान को धूल चटाने के लिए? पक्का? कैसा लग रहा है कैप्टन नितिन के साथ काम करके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, और सलमान को देखकर क्या लग रहा है अभी? सलमान को देखकर तो बुरा लग रहा। तू मतलब दुनिया हाथ धोके लगती है, तू मेरे पीछे नहा धोके लगा हुआ है। ये बुड्ढा हो जाएगा जब भी, नहीं छोड़ूंगा इसे। क्या बात है। तो चलिए फिर जोरदार ताला हो जाए नितिन एंड शोएब के लिए। उड़ती उड़ती अखियों के लड़के पैच लड़के
मजा देती है जीने की सजा देती है रब्बा झूठी मूठी पौधे धुन के धुन के जलावे बुझावे बुझावे जलावे ओए मोमबत्तियां जलावे बुझावे बुझावे जलावे ओए मोमबत्तियां ओ उड़ती उड़ती अखियों के लड़के पैच लड़के वे ठीक लगा के झूम झूम बराबर 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 झूम झूम बराबर बराबर उड़ती उड़ती अखियों के लड़के पैचे लड़के वे ठीक लगा के झूम 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 बराबर बराबर झूम बराबर Excuse me, सलमान मैं और कुछ नहीं कह रहा था। एक सेकेंड मैं हम हारे हुए से बात नहीं करते, प्लीज बैठ जाइए वहां पर। मेरी बात सुनिए, मैं ये तो मुझे पता है मैं हार गया। हाँ। मगर भाई तू मेरे ऐस कर, तू मेरे ऊपर बैठ के सवारी कर। अभी हारा नहीं, अभी तो बाकी है। हाँ भाई आजा, मुझे पकड़ दे यार, छोड़ दे मुझे यार। तू मेरे ऊपर सवार बैठ भाई, मेरे ऊपर सवारी कर ले तू। चल, जब तक मेरा सर नहीं कहेगा जब तक मैं बैठूंगा। मेरा सर नहीं कहेगा जब तक नहीं बैठूंगा। लेकिन इतना हरा दिया, और कितना हराना है तुझे? मतलब भगा भगा के हराएगा? जिस टाइम मैं रेसल कर रहा था उस टाइम सब बच्चों ने मेरे लिए हजार हजार दो दो हजार नंबर दिया था, इसने मेरे लिए जीरो दिए थे। अरे कब की बात कर रहे हो, हजार दो हजार, हजार दो हजार कब की बात है? एक्चुअली क्या था, जब इनकी प्रैक्टिस हो रही थी तो सब सब बच्चे इनके लिए मार्क्स दे रहे थे, 10 10, कोई 10 कोई 9 मार्क्स। मुझसे पूछा गया कि आप इसको कितना मार्क्स देना चाहते हैं, तो मैंने बोला मुझे जीरो। जगह अच्छा, अब देख, अब मैं तुझे स्टेज पर बताऊंगा। इससे मैं कहना चाहता हूँ, मैं झूम बराबर की लाइन इस पर गवाना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुमने जीरो नंबर दिया ना मेरे लिए, गाओ झूम बराबर। तुमने इसको जो मार्क्स दिए, जिसके जिसकी ये शिकायत कर रहा है जीरो मार्क्स, वो क्यों दिए तुमने? मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता कि मजाक स्टेज पर भारी पड़ जाएगा मेरे लिए। बेटा वो कोई मजाक नहीं करेगा, अब तू माफ करने को तैयार है? कर दे भाई, माफ कर दे। चल नहीं,
झूम बराबर झूम गाकर दिखा दो ना, तो और क्या चाहता है? ये की ना बात, ओले हो जाए हो जाए हो जाए, चलो अब हो जाए हो जाए, चलो हाँ हाँ चलो गाओ। क्या बात है, मुझे नहीं लगेगा गम भाई, नहीं लगेगा गम मुझे, हसीना लगे हसीना लगे, मैं आपके पीछे पीछे गाऊंगा, क्या दिल लगी भी तेरे, क्या दिल लगी भी तेरे, ये क्या गा रहा ये क्या गा रहा भाई, माफ कर दे यार मुझे भाई, छोड़ दे छोड़ दे इसको, छोड़ दे यार, ये कहाँ से आ गया, मुझे लाइफ में पहली बार सेलिब्रिटी जैसा फील कर रहा था, ये पता नहीं कहाँ से आ गया ये ये क्या, इसको ले जा रहा हूँ मैं, अरे भाई अरे मेरा कंटेंट बाकी है, आप नहीं दूंगा, आप नहीं, अच्छा सलमान अब आपकी बारी है, तो बताइए कि अगले परफॉर्मेंस में आपकी क्या चाल होने वाली है? मेरी टीम में से है एक बहुत ही सुरीली मेरी कंटेस्टेंट तपो लाभदा। क्या बात है, जीवन नगर में प्रेम नगर में आया नजर में, जब से कोई है तू सोचता है तू पूछता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही है, हाँ ये वही है, हाँ ये वही है, तू एक प्यासा और ये नदी है, काहे नहीं इसको तू खुल के बताए, जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता, जानी पानी जगह मामा
बहुत बढ़िया। और आज मुझे अच्छा लगा, एक अच्छी लगी एक बात कि आपने जब शुरू किया गाना तो आपके फेस पे स्माइल थी जो कि रहती नहीं है नॉर्मली। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू। ऐसा क्यों है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है जैसे आप बुझी हुई सी, दुखी, उदास। सीधे खड़े हो, स्माइल करो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.